नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। राजनीति की शालीन नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मंगलवार रात उन्हें 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर पूरा देश रोया। उन्हें चाहने वाले उन्हें याद कर भावुक होकर संदेश लिख रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक भावुक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे सुषमा स्वराज उन्हें मजबूत होने और लोगों के सामने आंसू नहीं दिखाने की सीख देती थी। स्मृति ईरानी ने ब्लॉग में अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए सुषमा स्वराज को याद किया। उन्होंने लिखा कि इस घटना पर उनकी सुषमा स्वराज से बात हुई थी। स्मृति ने लिखा है कि उन्होंने मेरी वजह से उन्हें मार डाला। मैं टेलीफोन पर सिसक रही थी। सुषमा जी की चुप्पी ने मुझे सुनने का संयम दिया। जैसे ही अमेठी में सुरेंद्र सिंह की हत्या की खबर आई, फोन बजना बंद नहीं हुआ। मैं बस चाहती थी कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, जिससे कि मैं स्पष्ट रूप से सोच सकूं और दुख को दूर करने में मदद करने वाली एकमात्र चीज़ उनकी आवाज़ थी। सुषमा जी ने मुझसे धीरे से कहा कि लोगों को ये मत देखने दो कि तुम रो रही हो, इससे उन्हें लगेगा कि तुम कमज़ोर हो। मैंने उनसे कहा कि मैं एक कदम बाहर निकालूं, उससे पहले मुझे इस दर्द से बाहर निकालना है। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरीके से भी इस दर्द से बाहर निकलना है निकलो, लेकिन कभी किसी के सामने आंसू नहीं दिखना चाहिए। एक महिला सांसद को कभी भी गिरते हुए नहीं दिखना चाहिए। और इस तरह से मैंने दीदी को श्रद्धांजलि दी। उनको श्रद्धांजलि देने के आखिरी वक्त तक आम लोगों के सामने मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। मैं खुद को क्रूर समझी जब मैंने एम्स के आपातकालीन कक्ष में बांसुरी को देखा। मैंने उन्हें बताया कि आप रो नहीं सकती हैं, आप उनकी बेटी हैं और सच में उनकी बेटी वैसी ही है। जैसे ही हमने आखिरी बार सुषमा स्वराज के लिए घर को तैयार करने के लिए अस्पताल से निकले, बांसुरी ने मुझे बताया कि माँ ने मुझे बताया था कि स्मृति और बांसुरी को लंच के लिए जाना है, इसके लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट खोज लो। अंत में मेरी टेबल को चुना गया, लेकिन अब खाने की मेज पर वो हमको ज्यादा खाने के लिए नहीं टोकेंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।